दोस्तों, आज मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है आपके साथ शेयर करने के लिए। जैसे कि आज मैंने एक तो न्यू हेयर कट लिया है, कैसा लग रहा है बताना आप कमेंट में। और दूसरी चीज़, कल था गांधी जयंती, तो आप लोगों को हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल। एंड मैं कल व्लॉग बनाने वाला था, लेकिन मेरे बहुत सारे काम आ गए थे तो उस वजह से मैं कल का व्लॉग बना नहीं पाया। और वैसे भी आपको तो पता ही है, कल 2 अक्टूबर था तो आपको पता है ना कहाँ जाना था, और आज 3 अक्टूबर है तो आना था, तो आके मैंने व्लॉग बना दिया, ठीक है। उसके बाद और मैंने एक नया जूसर भी लिया है, जिसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो आप लोग देखोगे किस तरह का जूसर है, और आप उस पर भी कमेंट कर सकते हो किस तरह का है। आई थिंक अच्छा है, तभी मैं लेके आया हूँ। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कल मैं कहीं मार्केट गया था और मेरे पॉकेट के अंदर 1000 रुपीज़ थे। मतलब मैंने पर्स में नहीं डाले थे, ऐसे डायरेक्ट पॉकेट के अंदर डाल लिया था। 2 5-500 के नोट थे। हुआ क्या, मैं गाड़ी से गया था, मैं वो जब वापस आया तो शाम हो गई थी मुझे। तो हुआ क्या, मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा और मैंने पॉकेट में हाथ रखा होगा, और वो दोनों 500 के नोट है वो नीचे गिर गए, गाड़ी के पास ही गिरे थे, जहाँ पे मेरी पार्किंग है या मेरे नीचे वहीं पे गिरे थे। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैं ऊपर रूम घर पे आ गया, मैंने चेक किया पॉकेट, दोनों 500 के नोट गायब। तो अब मैंने सोचा अब क्या करें, तो फिर मैं वापस नीचे गया गाड़ी के पास, मैंने फ़ोन लेके गया था, तो फ़ोन की बैटरी से मैंने गाड़ी के पास चेक किया, मैं ऐसे ही रो में चेक किया ऐसे, तो वहाँ पे नहीं थे। उसके बाद मैं मार्केट भी गया था, तो मैं मतलब पास में ही एक मार्केट है बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि चारों तरफ जहाँ जहाँ पे मैंने वॉक किया था या मैं जहाँ जहाँ पे गया था वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ भी नहीं थे। मैंने गार्ड से भी पूछा, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे कुछ गिर गए पैसे, आपने देखे क्या? उसने बोला भैया मैंने नहीं देखे, और जो मिलेगा तो मैं बता दूंगा। वैसे गार्ड यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, अगर उनको इस तरह का कुछ होता है तो वो हेल्पफुल होते हैं। तो उसके बाद मैं वापस आ गया, फिर मैंने देखा यार क्या करें। फिर मैं जहाँ पे शॉप पे गया था वो भी जानकारी था, तो मैंने उसको फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा भैया मैंने जब कुछ लिया था तो मेरे पॉकेट से कुछ गिरा था क्या? तो उसने भी बोला कि नहीं भैया मैंने तो देखा नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा खो गए होंगे, अभी क्या कर सकते हैं। फिर आज मॉर्निंग में मैं क्या, मुझे कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाना था, तो मैं स्कूटी से जा रहा था। तो मैं स्कूटी से जाते हुए मैंने गाड़ी के पास से ऐसे ही मैं निकल रहा था, तो मेरी अचानक ही नज़र पड़ी कि गाड़ी के नीचे की साइड में कुछ गिरा हुआ है। तो मैंने स्कूटी रोकी और मैं चेक करने गया, तो वहाँ पे मेरे दोनों 500 के नोट गाड़ी के नीचे चले गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पहली बात तो रात से गिरे हुए थे वहाँ पे, और वो थोड़ा सा इतना खिसक गए थे कि कोई भी वहाँ से आता जाता है उस बंदे को वहाँ से दिखे नहीं पैसे, क्योंकि जनरली सुबह जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको वॉश करने वाला बंदा भी आता है, गाड़ी क्लीन करने वाला बंदा भी आता है, लेकिन उसको वो पैसे दिखे नहीं क्योंकि वो गाड़ी से जस्ट थोड़ा नीचे गए हुए थे। तो अब मैं स्कूटी से जाते हुए मैंने ऐसे ही मुड़ के देखा, मैंने कहा यार इधर उधर तो नहीं है, रात को तो मुझे दिखे नहीं, अभी देख लेता हूँ ऐसे ही। तो मैं स्कूटी से बस उसके पास से गुजरा, मुझे नीचे कुछ दिखाई दिया, मैं गया वहाँ पे और मैंने चेक किया, मैं नीचे से निकाले, मैंने पैसे नहीं मिल गए थे। तो मेरे साथ केस ये हुआ था कि मेरे पैसे 2 अक्टूबर को गिरे थे और 3 अक्टूबर को मुझे मिल गए, तो मेरे साथ दृश्यम वाला कुछ इस तरह से सीन हुआ था, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ, देखते हैं जूसर किस तरह का आया है, मैंने भी नहीं देखा अभी खोल के, तो लेट्स अनबॉक्स इट। तो अभी हम करते हैं अनबॉक्सिंग जूसर की। तो एक्चुअल मैंने जो जूसर लिया वो इलेक्ट्रिक नहीं है, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक जूसर मेरे पास जैसे मिक्सर जूसर वो सब पड़ा है, लेकिन उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। मतलब जैसे आप अगर मौसमी का जूस निकाल रहे हो
या फिर आप पोमेग्रेनेट का जूस निकाल रहे हो, या फिर जैसे कीवी का जूस निकाल रहे हो, तो इस तरह के जूस आप अपने जूसर से नहीं निकाल सकते, जो नॉर्मल मिक्सर जूसर आता है उससे आप नहीं निकाल सकते। तो फिर मैंने कोई बड़ा एक बड़ा जूसर देखा था ऑनलाइन, मैंने उसको लेने का सोचा, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम उस जूसर को ले लोगे, वो जूस निकाल भी देगा, सही है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप एक बार जूस निकाल लेते हो उसके बाद उसको क्लीन करना थोड़ा बहुत वो हो जाता है, वो टाइम टेकन हो जाता है, और आप अच्छे से उसको अच्छे से क्लीन भी नहीं कर पाओगे। अगर उस चक्कर में आप डेली जूस भी नहीं पियोगे, आपको लगेगा कि यार जूस निकालने के बाद इसको धोना ही इतना महाभारत हो जा रहा है, तो इसका फ़ायदा नहीं है। तो आप बोला कि लेने को आप ले सकते हो, लेकिन उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एक ये वाला जूसर है जो ट्राई करके देखो, जो मैं आपको दिखाता हूँ, वो काफ़ी अच्छे ब्रांड का भी है ये वाला जूसर, आप देख सकते हो। इसको आप हाथ से इसे पुश करके आप निकाल सकते हो, और ये बहुत इजी होता है, इजी टू क्लीन होता है, तो आपको इसको लेने का वर्थ रहेगा, ऐसा मुझे सजेस्ट किया था। तो वही सब मैं दोस्तों से, मतलब इसी तरह के सजेशन की वजह से मैं ये लेके आया हूँ, और मुझे भी ये देखने में अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी ये मेटल से भी बना हुआ है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है और इजी टू जूस है और क्लीन करने में भी इजी है। तो आप ये समझ सकते हो कि इसको यूज़ करके मैं डेली जूस, नेचुरल फ्रूट्स जूस आराम से बना के पी सकता हूँ, और उसमें मुझे ये भी नहीं रहेगा कि यार जूस निकालना पड़ेगा, फिर इसको क्लीन करना पड़ेगा, तो ये सारे इश्यूज भी नहीं रहेंगे। तो इस वजह से मैंने ये ख़रीदा है, ठीक है। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। थोड़ा हैवी है वेट में, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में भी। इसके साथ ये ग्लास आता है प्लास्टिक का, जिसको आप, जैसे मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ पे इस बॉक्स में आप इसको डाल सकते हो, ऐसे डाल के आप इस वाले को ऐसे ऊपर करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, कि जैसे अगर मैं मौसमी का जूस मुझे निकालना है तो मुझे मौसमी को छीलने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके दो पार्ट, उसको वर्टिकली सॉरी हॉरिजेंटली उसको काट दो, फिर आप यहाँ रखो और फिर आप इसको घुमाओ, तो आपको छीलने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको पुश करो, आपका जूस इस बॉक्स के अंदर, इस ग्लास के अंदर निकल जाएगा, और मतलब आप 1 मिनट के अंदर आराम से जितना भी आपको जूस निकालना है वो 1 मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो ये इजी टू यूज़ है, तो मुझे भी देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पूरी मेटेलिक बॉडी है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, और इसके थ्रू मैं मौसमी का जूस निकाल सकता हूँ, अनार का जूस निकाल सकता हूँ, और कीवी का जूस निकाल सकता हूँ। तो अगर आपको भी ये अच्छा लगता है तो मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किसी भाई को लेना हो तो ले सकते हैं। बाकी PNB लाइफ टाइम करके इसका ब्रांड का नाम है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैं आपको किसी सेशन में या इसी में मैं आपको जूस निकाल के भी दिखाऊंगा कि किस तरह से इससे जूस निकाल सकते हैं। बाकी आप अभी जूस के लिए, मेरे पास मौसमी तो है नहीं हाथ में, तो मैं ऐसे घुमा के बता सकता हूँ कि आपको ये किस तरह से वर्क करता है, इस तरह से वर्क करता है ये। Thank you.
करो। हाँ एकदम से। अपनी इतनी देर की मेहनत का जो रिजल्ट निकल गया है वो ये है, फ्रेश मौसम में जूस। तो मैं जनरली पहले तो मार्केट से डायरेक्ट वो डब्बे वाला जूस लाता था, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा हेल्दी मेरे लिए ये होगा और इसमें टाइम भी कम लगता है। तो ये इसको निकालना भी इंटरेस्टिंग है और टाइम भी कम लगता है, तो मैं ईजिली इसको निकाल भी सकता हूँ और फ्रेश जूस रोज़ में पी सकता हूँ। तो अगर आप लोगों को भी अच्छा लगता है ये, आप लोगों को भी ख़रीदना है, तो आप इस तरह का ख़रीद के मार्केट में के जूस पीने की बजाय आप अपने घर पे ही अच्छे से प्योर जूस आप बना सकते हो जो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। और मैं तो ये प्रीफर करूँगा, और अगर किसी बंदे को ख़रीदना हो, अच्छा लगा हो, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और मैं कंपनी का नेम भी मेंशन कर दूंगा, उसका प्रोडक्ट आप ले सकते हो। एज़ पर माय फीडबैक ये बेस्ट ऑप्शन है, तो आप लोग भी इसको ख़रीद सकते हो। ओके okay?